नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ये आपके सामने ट्रेड हो रहा है और अभी तो जो मार्केट है वो क्लोज हो रखा है और इस टाइम समय हो रहा है करीब 7:30 बजे। तो मार्केट जब ओपन होगा वो कैसा रहेगा, क्या उसमें मूवमेंट हो सकती हैं, उसी को लेकर आइए आगे बात करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, इसमें एक लेवल दिया था मैंने आपको 41,900 का, कि उसे अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक बाइंग मोमेंट हम देख सकते हैं और मार्केट में एक ऊपर का ट्रेंड गया था। 41,900 का जो ये लेवल था, ये परसों जो क्लोजिंग सेशन था उससे पहले ही ये ब्रेक कर चुका था। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसने ब्रेक किया था और मैंने बताया था कि यहाँ पर आपकी बाइंग पोजिशन आ गई है और पूरे दिन ये मार्केट अपने ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता रहा और इसका जो हाई था वो मेरे ख्याल से कुछ 400 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश करी थी पर शायद पहुंच नहीं पाया था। तो आपको 400 450 पॉइंट इसमें मूवमेंट मिली है। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी पोजीशन मेंटेन करते हैं वो हमेशा आप एटलीस्ट 2 क्वांटिटी में लीजिए। उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ होगा और दो में से जो एक पोजीशन है आप उससे निकल गए होंगे तो आपकी सिर्फ एक ही पोजीशन होल्ड होगी और जो आगे अगर मैं आपको स्टॉप लॉस जैसे मैं बताऊंगा तो वो अगर हिट भी हो जाता है, वो ट्रिगर हो जाता है, तो भी आपका जो या तो लॉस है वो नहीं होगा या फिर आप लगभग अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आप एग्जिट कर जाएंगे। और मार्केट में जो है अगर सेलिंग की पोजीशन में जाता है, बाइंग की पोजीशन में जाता है आगे, तो हम उसी के तरीके से और अपना अगला ट्रेड ले लेंगे। देखिए, मार्केट में अगर कुछ नहीं भी मिल पा रहा तो ये भी आपका प्रॉफिट है। आप मार्केट में बने हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं और किसी लेवल पे अगर आपके पास कुछ नहीं मिल पाया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कभी का ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा आपके लिए आगे बनी रहेंगी। और आज कल परसों आपको कितने ट्रेड करने को मिलते हैं उसमें से आपका एक ट्रेड भी हिट हो गया या दो ट्रेड हिट हुए तो आपका जो स्टॉप लॉस है जो उससे पहले हिट हुआ है वो एक या दो भी हिट हुए होंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा है और दूसरे में आप एग्जिट हुए हो, तो आपका बहुत मिनिमम लॉस रहेगा जितने में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बहुत डबल ट्रिपल लेवल से मल्टीपल होगा। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, लेवल कहीं नहीं जा रहे, मार्केट में मूवमेंट जब तक चलती रहेगी तब तक प्रॉफिट अर्न करने के हमें एक तरीके से एक ऑप्शन मिलते रहेंगे। आइए बात करते हैं हम सिल्वर की, जिसमें कल हमने देखा कि मार्केट किस कर्व में था और मार्केट में एक सडन मूवमेंट आई है डाउन साइड में और बाद में ये अपने लेवल्स पे बिल्कुल रुका रहा था और ना ऊपर गया ना नीचे गया और मार्केट बिल्कुल अपने लोअर लेवल से ज़रा सा ऊपर बंद हो गया। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो 41,900 पे आपने बाइंग करी थी वो इस टाइम आपका लॉस का लेवल चल रहा है 41,823 की अगर मैं बात करूँ, और जो इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे वो है 41,475। जी हाँ, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ कि 41,475 का आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है जहाँ पर आप एग्जिट कर जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर ये इसके नीचे अगर ये सस्टेन करती है सिल्वर तो आप अपनी पोजीशन सेलिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि गोल्ड का मुझे देखकर थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाया और उसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब वो गोल्ड के चार्ट में जो मैं दूसरा अपलोड करूँगा मैं उसमें बताऊँगा आपको, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सिल्वर ने फिर भी अपने आप को सस्टेन करके रखा कल, पर अगर ये इस लेवल के नीचे चली गई तो हम देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है और आने वाले लेवल्स काफ़ी नीचे के हो सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं किया तो सिल्वर में एक ट्रेंड ऊपर का चढ़ता चला जाएगा और ये लेवल आज ही ब्रेक हो जाएगा अगर सिल्वर ने 41,475 का लेवल नीचे में नहीं ब्रेक करा तो ये लेवल भी आज ही आपको मैं ब्रेक करता हुआ दिखा दूंगा चार्ट्स पे, जिसके पूरे चांस रहेंगे कि मार्केट में जो बाइंग थी वो कंटिन्यू रहेगी और नीचे के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा
और सिल्वर भी अपने आगे के लिए एक बाइंग ट्रेंड में चलती चली जाएगी। तो 41,475 का आप लेवल ज़रूर मेंटेन करके चलें। आइए मैं थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पर भी हम समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ कल पूरे दिन मार्केट रहा, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया सिल्वर ने, फिर एक झटका इसे नीचे लगा गोल्ड के साथ, और फिर ये इस यहाँ ट्रेड किया। यही दो चीज़ें थी कल सिल्वर में, और कोई खास मूवमेंट हुई नहीं है। तो आपका जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ वो 41,475 कहीं या यहाँ पर होगा, इस जगह के आसपास। ये अगर इसके नीचे ज़रा सा भी ट्रेड करती है तो आप फिर, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, तो आप इसे भी इग्नोर कर दीजिएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगी। ये थोड़ा सा तो आगे चलते हैं 4 घंटे के मार्केट पे। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीन लेवल्स पे अगर ट्रेंड लाइन मूव करके अपने आप को टर्न कर चुकी हो चौथा उस ट्रेंड लाइन में रुका रहेगा, चौथा पॉइंट। इसके चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि मार्केट में बार बार ये कोशिश हुई है कि उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और मार्केट को उसमें सक्सेस नहीं मिली। यहाँ पर अब ये ट्रेंड लाइन इतना मैटर नहीं करेगी क्योंकि ये फोर्थ टाइम आ रही है। ट्रेंड लाइन में 3 बार एक लेवल अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो जाता है तो चौथी बारी उसका होने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर चौथी बारी में वो उसे ब्रेक करती है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो ब्रेक होती है। तो आप इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखिए कि मार्केट में अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी लेवल आता है तो ये सस्टेन, ये सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और ये नीचे गिर जाएगा मार्केट। गोल्ड भी गिरेगा, सिल्वर भी गिरेगी, मार्केट में हम एक सेलिंग प्रेशर देख पाएंगे, और अदरवाइज इसमें यहाँ कहीं इन लेवल से एक सपोर्ट ज़रूर मिल जाना चाहिए। उसमें ये चार्ट भी एक इस तरीके का पैटर्न बना लेंगे, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ऊपर में अगर ऊपर में इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है और ये नीचे इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर ये इन लेवल्स पे आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टर्न मार जाएगी और मार्केट में सिल्वर में फिर से मूवमेंट आ जाएगी। ये देखिए आप भी इन चीज़ों को समझ जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको चार्ट को ट्रेस करते रहना है और इन्हीं के बेस पर आप ट्रेड कीजिएगा। चार्ट्स कुछ कह रहे हो और आप वहाँ पर अपना माइंड अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पर आप रिस्क में ज़रूर आ जाएंगे। माइंड आपको वो अप्लाई करना है जो चार्ट बता रहे हैं, आपको अपना कुछ नहीं अप्लाई करना कि यहाँ से ऊपर आ सकती है नीचे जा सकती है। चार्ट जो इंडिकेट करें आप ब्लाइंडली उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हो कुछ भी सकता है, पर अल्टीमेटली एंड ऑफ द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस चीज़ के लिए मार्केट में हैं वो क्या हो रहा है। तो आप इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। तो ये था मेरा सिल्वर में आज का वीडियो। आप लेवल्स मेंटेन करके चलें और मार्केट में बने रहें। धन्यवाद।